दोस्तों नमस्कार। आज ऐसे जगह आपको लेकर चलूँगा जहाँ का कण कण से इनकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई देती है। ये वो पुण्य धरती है जहाँ पर देश को आज़ाद कराने वाले वीर अंग्रेज़ों की यातना से सदा के लिए आज़ाद हो गए। ये वो जगह है जहाँ का मात्र नाम लेने से लोगों के मन में दहशत हो जाता है, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते हैं, और वह जगह है सेलुलर जेल अंडमान निकोबार। दोस्तों ये जेल हमारे आज़ादी के वीर बांकुरों के लिए यादगार स्मारक की तरह है। आज आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊंगा। मैं इस यादगार पल को और यादगार बनाने और सारी बातों को जानने के लिए गाइड की मदद लेंगे। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको गाइड मिल जाएगा जो बारीकी से सब कुछ जानकारी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जेल की कहानी गाइड की जवानी हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे सेफली भारत माता की जेल का उधर मत जाइए मैडम। इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया? लॉट्स ऑफ सेल्स के वजह से। एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोलते हैं। जेल के अंदर पूरे 693 सेल्स थी। मल्टीपल सेल्स की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान को काला पानी की सजा किस लिए बोलते हैं? एक्चुअल जो वर्ड है वो है काल पानी का सजा। काल, काल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम, समय, डेथ। यानी कि वंस अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था, इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे। लेकिन टाइम चलते चलते लोगों ने इसको काला पानी बनाया। तो देखिएगा 1906 में, यानी कि तकरीबन 13 साल का वक्त लगा था इस जेल को बनने के लिए। और इस जेल को एक स्टार फिश का मॉडल में बनवाया गया। स्टार फिश इन द सेंस, आप लोग देख पाएगा मेरे हाथ की ओर, देखिए एक सेंट्रल टावर जिसके साथ ऐसे पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया। तो टोटल इसमें 7 विंग्स था, जिनमें से विंग्स जिस तरीके से वो लोगों ने बनाया गया उस दौरान, एक विंग का फ्रंट पोर्शन था और दूसरे का बैक पोर्शन हुआ करता था। यानी कि एक विंग के अंदर जो मौजूद है वो लोग दूसरे को देख ना पाए, उस हिसाब से उन दिनों इस जेल को बनवाया गया। तो जेल बनते बाद इसके अंदर टोटल 693 रूम्स हुआ करते था, और सभी रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, यानी कि एक रूम के अंदर एक ही कैदी को रखते थे। 7 विंग्स उन दिनों था। ये जो 7 विंग बनाने के लिए जितनी भी ब्रिक्स वगैरह यूज हुआ, ये सारे अपने कोस्टल एरियाज पर फ्रीडम फाइटर्स के ही थ्रू बनाया गया। लेकिन इसमें जो आयरन बार्स, लॉकिंग सिस्टम, ग्रिल, डोर, ये सारे चीज जो है उन दिनों बर्मा से भी यहाँ पे लाया गया। उस दौरान इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था, लेकिन आज आप लोग इस जेल के अंदर देख पाएगा सिर्फ 3 विंग्स, जिनमें से 2 पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, बाकी के 1 विंग जो है इसके पीछे की ओर मौजूद है। तो 7 में से बाकी के 4 विंग्स जो वो टूट चुका है। टूटने के भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक 1941 में जो भूकंप आई थी उस पर इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। फिर 42 से 45 जापानीज मूवमेंट था, उस दौरान भी बहुत सारे विंग्स के कुछ हिस्से डैमेज वगैरह हुई, और उस लोग ब्रिक्स को भी रीयूटिलाइज किया गया। देन इंडिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंट के बाद 1964 चलते चलते जब यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की जरूरत थी, तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे की ओर जो विंग्स जो डैमेज स्टेज में था उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहां पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। इन 4 रूम को बोलते हैं कंडम सेल्स। वैसे कंडम सेल्स खास उन कैदियों के लिए बनाया गया था जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर फांसी का सजा सुनाया गया तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा जाएगा। प्लेस फॉर लास्ट राइट्स या फिर प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स कहते हुए उन दिनों यहाँ पे जिनको लाया जाएगा सबसे पहले उनको लास्ट बात वगैरह कराया जाएगा, उसके बाद उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। ये आखिरी इच्छा क्या होता है कि मरने के बाद उनके बॉडी को किस धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम किया जाए, उसके बाद ठीक सामने फांसीघर की ओर। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद है इस जेल का नंबर 1 और 7 विंग का बीच का हिस्सा है, तो उससे पहले देखिए ये जो 2 ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे यूज करते थे। तो रूम और इन सभी रूम्स पे एक सिमिलर चीज आप लोग देख पाएगा, वो है इसका लॉकिंग सिस्टम। जो अभी आप लोग ऊपर वीर सावरकर जी के रूम विजिट करने जाओगे तो आप लोग देख पाएगा हर एक रूम जिसका लॉकिंग सिस्टम बिल्कुल राइट हैंड साइड बार की ओर दिया। देख पा रहे आप लोग ऊपर जाते वक्त मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा, या फिर आप लोग खुद इसको ऑपरेट करके देख सकते हो। बिल्कुल राइट हैंड साइड बार की ओर दिया हुआ, ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद उनके हाथ में चाबी भी मिले तो क्या होगा, अंदर से हाथ ऐसा बाहर तक पहुंच नहीं पाएगा खोलने के लिए, यानी कि किसी और के मदद के बगैर इसको खोल नहीं पाएगा। उस हिसाब से सारे रूम्स के लॉकिंग सिस्टम को बिल्कुल बार बनाया गया।
किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम कोई फैसिलिटी नहीं था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा वुडन बेड, एक ब्लैंकेट, खाना खाने के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए छोटा सा एक बाउल और एक मिट्टी का घड़ा, जो क्ले पॉट होता है ना, अर्थन पॉट, ये जो इनको रूम में प्रोवाइड होती थी। तो जनरली क्या होता था, जब मॉर्निंग आवर्स में इनको रूम से बाहर लाते थे, हर विंग के सामने में ओपन शेड था जिसपे 15-20-25 कैदी टॉयलेट बाथ ये सारे फैसिलिटी लेते थे। लेकिन जब शाम को एक बार अंदर लॉक हो गया, उसके बाद अगर इनको टॉयलेट वगैरह करनी थी तो उसी मिट्टी का घड़ा को यूज करना था इनको। पूरे मिट्टी के घड़े को यूज करते हुए पूरी रात अंदर रहेगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका क्लीननेस वगैरह होगा। ओके, अब देखिए, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीन फ्लोर का था सेलुलर जेल। तीनों फ्लोर को एक सेंट्रल टावर के साथ जोड़ा हुआ, आप लोग देख पा रहे हैं वहां पे, वो है कनेक्टिविटी। सेंट्रल टावर के साथ जो जोड़ा गया कनेक्टिविटी, वो जो कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है वो अभी परमानेंटली फिक्स हुआ, अदरवाइज पहले ये रिमूवेबल था, डिटैचेबल था, कभी जरूरत पड़े तो उसको हटाने के हिसाब से बनवाया गया। तो इससे क्या फायदा था, सोचिए, अगर किसी रात के वक्त अगर एक विंग के अंदर कुछ असंतोष पैदा हुआ, इस विंग वाले क्रॉस करते हुए टावर पे और टावर से दूसरे विंग पे जा नहीं पाएगा। यानी कि मिनिमम गार्ड्स, मैक्सिमम इनमेट्स, उस हिसाब से जो उन दिनों इस जेल को प्लान करते हुए बनवाया गया। अब आप लोग आगे चलते हुए देख पाएगा, हर एक फ्लोर में जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो सामने का जो फर्स्ट रूम है जिसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब बाकी उसे अलग बनाया हुआ है, तो वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए था। गार्ड सेल में गार्ड्स रहते थे और कोई भी अप एंड डाउन करेगा यहाँ से इजिली किसी को भी वॉच कीप कर पाएगा, उस हिसाब से बनवाया गया। तो अभी हम ऊपर की ओर चलेंगे जहाँ से बहुत सारे आइलैंड दिखेगा, आइलैंड का भी कुछ ना कुछ हेरिटेज वैल्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम लोग सीधा सेकंड फ्लोर की ओर चलेंगे, सर बचाता हुआ चलना है, बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधा चलेंगे सेकंड फ्लोर। ओके, चलेगा प्लीज। सारे विंग्स को जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी जिससे अभी हम लोगों ने क्रॉस करते हुए ऊपर आया, ये अभी परमानेंटली फिक्स कर दिया गया, अदरवाइज ये रिमूवेबल था, डिटैचेबल था, अभी जरूरत पड़े तो उसको हटाने के हिसाब से बनवाया गया। अब देखिए, टोटल ये जो सात विंग्स था, इन सातों विंग में एक सिमिलरिटी था, वो था ऊपर का लास्ट रूम, यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम जो है यहाँ पे डबल डोर सिस्टम था। डबल डोर मतलब एक जो मैंने आपको डोर अभी दिखाया नीचे, एक एडिशनल जो है बैल्कनी में होता है जिसपे फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पढ़ा लिखा फ्रीडम फाइटर्स या फिर ऐसे ही लोगों को लास्ट वाली रूम में रखते थे जिनसे ब्रिटिशर्स को खतरा हो। जैसे कि इस विंग के लास्ट रूम में विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान का एयरपोर्ट बनाया गया। तो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर काम करते हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था लंदन में। लंदन में उस वक्त अपना लॉ कर रहा था। कहते कि उस वक्त भारत में आजादी की मोमेंटम बहुत तेज थी, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हुए इनको अरेस्ट किया लंदन में, और वहां से बाई शिप जब लाया जा रहा था तो फ्रांस के मार्शलस पोर्ट में जिस जहाज में इनको लाते थे उस जहाज से इन्होंने जंप किया और स्वैम करता हुआ फ्रांस एस्केप कर गया, भाग गया था। उसके बाद फ्रेंच अथॉरिटी उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स को हैंडओवर किया, इंडिया लाया गया, ट्रायल वगैरह हुई और पूरे 50 साल का सजा सुनाते हुए अंडमान की जेल में उनको लाया गया 1911 में, 1911 में। ऊपर जाने से पहले देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिस्ट मौजूद है। अगर इसमें आप लोग नोटिस करोगे तो बंगाल, पंजाब, आसाम, मणिपुर, महाराष्ट्र, हर प्रांत के लोगों को यहाँ पे लाया गया था। इनमें से भी और भी बहुत सारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि उल्लास्कर दत्ता, इंदू भूषण रॉय, मोहित मोहित्रा, पंडित राम राखा, महावीर सिंह, भरिंद घोष, गणेश दामोदर सावरकर, तो ऐसे कई हजारों फ्रीडम फाइटर्स उन दिनों अंडमान के अंदर लाया गया था, जिनको आज हम लोग बोलते हैं द अनसंग हीरोज, इनके बारे में कोई नहीं जानता। और बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, इनका नाम जो है कहीं ना कहीं बुक्स के नीचे दब के रह चुका, किसी को पता ही नहीं है कि कहीं, जब भी मैं ऊपर आता हूँ, जब भी किसी को भी लेकर, और रेयरली ऊपर आता हूँ, जब भी किसी को भी लेकर आता हूँ तो इन अनसंग हीरोज के बारे में, सबके साथ सबके बारे में तो बताते ही है, लेकिन इन अनसंग हीरोज के बारे में चलेंगे ऊपर के, और जहाँ पे मैं आपको कुछ आइलैंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप लोग नीचे उतरोगे। देखिए, यहाँ से लास्ट वाली रूम है जहाँ पे आप लोग विजिट करें। यहाँ पे इस टावर के अंदर एक बहुत बड़ा बेल हुआ करता था जो इस जेल के अलार्म की तरह भी यूज होते थे। ओके, तो टोटल अभी जो मौजूदा तीन विंग्स आप लोग जो देख पा रहे हैं, नंबर 1, 7 और ये है नंबर 6, तो ये तीन विंग्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बाकी के चार विंग्स जैसा मैंने आपको मॉडल में एक्सप्लेन किया था उस तरफ में है, उस तरफ में था जहाँ पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड है। इस हॉस्पिटल का नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल और यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट, डॉक्टर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अब आप लोग मेरे हाथ की ओर से सीधे आगे आइलैंड्स पे ध्यान देंगे। देखिए, सामने एक आइलैंड आप देख पा रहे हैं, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, यानी कि रॉस आइलैंड, बिफोर इंडिपेंडेंट अंडमान का कैपिटल यही आइलैंड हुआ करता था और उसको रॉस आइलैंड के ही नाम से जाना जाता था।
2018 में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे विजिट किए थे, उन्होंने इस जगह का नाम बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया और डेडिकेट किया गया। और आप लोग जब कार्बिन्स को वगैरह जाते हुए एक फ्लैग पॉइंट देख पा रहे हैं, वहाँ पे एक फ्लैग पॉइंट भी बनाया गया। फ्लैग पॉइंट बनाने का रीजन ये है कि 29 दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे आए थे, और 30 दिसंबर 1943 में अंडमान के अंदर पहला फ्लैग होस्टिंग हुआ था जो ट्रिकलर फ्लैग था, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए अभी नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर्ड है 30 दिसंबर को। और ये जगह का नाम रॉस आइलैंड के नाम उसी दिन बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। और साथ ही साथ ये जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट आप लोग नील और हैवलॉक के नाम से जो जानते हैं, उसका भी नाम बदलते हुए स्वराज और शहीद भी रखा गया। ये सारी चीज जो है 2018 में हुआ। अब देखिए सीधे सामने की ओर उस तरफ आप देख पा रहे हैं वो है नॉर्थ बे। नॉर्थ बे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ले जाते हैं, यानी कि भारत के आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पुराने 20 रुपए के नोट, 20 रुपीज के नोट, उस नोट के पीछे एक लाइट हाउस देखा होगा आप लोगों ने छोटा सा रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप में, वही लाइट हाउस यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग नॉर्थ बे में। अब आप लोग मेरे हाथ की ओर से इस तरफ ध्यान देंगे, देखिए वो जो देख पा रहे हैं आप लोग वो है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर जिसका नाम पहले माउंट हैरियट हुआ करता था, अभी कुछ मैंने पहले जो है यहाँ पे होम मिनिस्टर का विजिट हुआ, उन्होंने इस जगह का नाम को बदलते हुए माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर रखा गया। उसके पीछे एक कारण है, आप लोग सुना होगा 1891 में जो है एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, उसमें जो है बहुत सारे मणिपुरियों को सजा दी गई, साथ साथ उनके जो लास्ट राजा जो बचा हुआ था उनको काला पानी की सजा हुई थी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन सेलुलर जेल था तो उनको वहीं पर सजा दिया गया। तो मणिपुर सरकार की तरफ से ये अप्रोच था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस जगह को नाम को बदलते हुए, उनका राजा को जहाँ पे पनिशमेंट दिया गया उस जगह के नाम को बदलते हुए माउंट मणिपुर रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर जनरेशन की चीज पता चलेगा। उसी तरह सीधे सामने आप लोग उस तरफ देख पाएंगे टावर वगैरह जो एरिया देख पा रहे हैं, उस एरिया का नाम है होप टाउन। ब्रिटिश हिस्ट्री में होप टाउन का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंस भी लिया गया, क्योंकि इंडिया का जो वाइसरॉय था लॉर्ड मायो का असैसिनेशन वहीं पे हुआ था। 8 फरवरी 1872 में शेर अली द्वारा उनका असैसिनेशन किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स शेर अली को अरेस्ट करते हुए वाइपर जेल के अंदर फांसी चढ़ाया गया। और उसी के ठीक सामने है चाटम सॉमिल, जो यहाँ से विजिबल नहीं है। बेसिकली सॉमिल जो है आपके ट्रिप में भी आता है, आप लोग देखा होगा सॉमिल, देखा आप लोग। उम्मीद करता हूं कि जेल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी से आप अवगत हो गए होंगे। मैं सरूरा जेल पार्ट 2 लेकर जल्द ही आऊंगा, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को किस प्रकार से यातना दी जाती थी, किस प्रकार उनसे अमानवीय ढंग से काम कराया जाता था, और कैसे और कहां उनको फांसी दी जाती थी, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए अपने चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।